ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ के जगतगुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद 22 सितंबर से अयोध्या से यात्रा प्रारंभ कर 24 सितंबर को गौध्वज की स्थापना करने पटना पहुंचे। 26 अक्टूबर तक चलने वाले अभियान में वो 37 राज्यों की राजधानी तक जाएंगे। पटना पहुंचने पर शंकराचार्य फतुहा में गोपी कृष्ण गौ आश्रम में गौ पूजन किया। उसके बाद दरोगा रायपथ में उन्होंने गौ भक्तों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत देश की जनता उन्हें ही वोट दे जो गाय की रक्षा करें। जब एक देश एक चुनाव है तो वहां कानून भी एक होना चाहिए। गौ रक्षा के लिए कानून पूरे देश में एक होना चाहिए। गाय की रक्षा का विरोध बीजेपी के लोग ही कर रहे हैं। किसी पार्टी विशेष को आप वोट मत दें, जो गाय की रक्षा का वादा करें उसे ही वोट दें। तिरुपति के प्रसाद पर शंकराचार्य ने कहा कि वो लोग हिंदू नहीं क्रिश्चियन हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दुकानदारों के नाम की बात करते हैं, नाम से कभी नहीं पता चलेगा कि वो हिंदू हैं या कोई और। उन्होंने कहा कि तिरुपति प्रसाद का जो दोषी है वो नाम से हिंदू है लेकिन असल में वो क्रिश्चियन है। जितनी भी मंदिर हैं वहां से सरकार और अधिकारियों का दबदबा खत्म होना चाहिए, तभी धर्म बचेगा। छल हो गया हिंदू समाज के साथ, ये द्रोह हुआ है। जैसे राष्ट्रद्रोह हो रहा है उसी कैटेगरी का ये द्रोह है हिंदू समाज के साथ। अब कह रहे हैं कि जांच करें, जांच क्यों जल्दी नहीं होती है? अभी आपने केदारनाथ का नाम लिया कि वहां पर सोने का घोटाला, 2.5 साल हो गए अभी तक जांच ही हो रही है। जब ये घोटाला सामने आया था तब मांग की गई थी लोगों के द्वारा की जाँच करिए, सरकार ने कहा था हम जाँच करेंगे, 2.5 साल हो गए अभी जाँच ही हो रही है। ऐसे ही तिरुपति के मामले को भी जांच के नाम पर आप 2.5 साल की चिंता लेके चले जाएंगे। ये जो है इसी का तो हम विरोध कर रहे हैं। तिरुपति में जो घटना हुई है, जिस तरह से हमारी हिंदुओं की पवित्रता को खंडित करने का षड्यंत्र किया गया है वो बहुत ही बड़ा अपराध है और जल्दी से जल्दी जांच करके जो इसके पीछे है उसको कड़े से कड़े दंड दिया जाना चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। और साथ ही साथ मंदिरों से सरकारी नेता, सरकार और सरकारी अधिकारी हट जाने चाहिए, कम से कम धार्मिक की शपथ लेने वाली सरकार किसी भी धार्मिक परिसर का प्रबंधन नैतिक रूप से नहीं कर सकती है, गलत खुशी हुई है। या तो धार्मिक घोषित करो अपने आप को और या तो फिर धर्मनिरपेक्ष बनो, दोनों एक साथ करते हो, धर्मनिरपेक्ष बन लेते हो और धार्मिक परिसर में आकर के व्यवस्था करते हो, उसी का तो ये परिणाम है। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि भाजपा का दोहरा चरित्र है, उनकी यात्रा को नागालैंड में यात्रा रोका गया। नीति कहती है कि हर तरह से विचार कर लेना चाहिए किसी कार्य को करने पहले, तो हमने सोचा कि हमारा मुसलमान लोग विरोध करेंगे, तो हमने उनके ग्रंथों से पढ़ लिया कि जब वो विरोध करेंगे तो हम उनको ये जवाब नहीं देंगे। ईसाई हमारा विरोध करेंगे तो हमने ईसाइयों के ग्रंथ पढ़ के तैयारी कर ली, और कोई विरोध करेगा उसके बारे में तैयारी कर ली और निकल पड़े। लेकिन निकलने के बाद क्या हुआ, किसी मुसलमान ने हमारा विरोध गाय के मामले में नहीं किया, किसी ईसाई ने हमारा विरोध गाय के मामले में नहीं किया। सबसे पहला जो विरोध हमारे सामने आया वो भारतीय जनता पार्टी का है। आश्चर्य, हमने सोचा ही नहीं था, हमने सोचा था कि वो नहीं मानेंगे तभी विरोध थोड़े करेंगे, वो चुप रहेंगे। लेकिन सबसे पहला विरोध नागालैंड के प्रदेश से आया। वहां के जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं उन्होंने पत्र जारी करके कहा कि गाय हमारे भोजन की संस्कृति का हिस्सा है, इसके बारे में बात करने वाले को नागालैंड में प्रवेश नहीं करना चाहिए, हमको नागालैंड में प्रवेश से रोक दिया गया। हमने वो पत्र देखा, हमने कहा हम तो जाएंगे, तो वहां पर फिर कैबिनेट की बैठक बन गई। वहां पर मिली जुली सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का उप मुख्यमंत्री है। कैबिनेट की बैठक बुला दी वहां की सरकार ने, और कैबिनेट की बैठक बुला करके प्रस्ताव पारित कर दिया कि गाय की बात करने वाले शंकराचार्य को नागालैंड में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बता दें कि आंध्र प्रदेश के तत्कालीन जगन सरकार में तिरुपति बालाजी मंदिर में बनने वाले लड्डुओं के प्रसाद में जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल की बात सामने आई थी। वहीं एनडीडीबी काल्फ लैब की रिपोर्ट में वाईएसआरसीपी शासन के दौरान इस्तेमाल किए गए घी में पशु चर्बी की पुष्टि हुई है।
पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।